हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बिट 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बिट 4 यहाँ पर गिवन है 0.1p प्लस 0.2q होल इंटू 0.2q माइनस 0.1p। अच्छा, इसको पी का वैल्यू यहाँ पर दिया है 10 और क्यू का वैल्यू यहाँ पर दिया है 5। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद उसके बाद जो रिजल्ट निकलेगा उसको हम पी का वैल्यू 10 पुट करेंगे और क्यू का वैल्यू 5 पुट करेंगे और हमारा अपना जो हमारा रिजल्ट होगा उसको हम वेरीफाई करेंगे। तो देखो यहाँ पर कैसे होगा, पहले पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो हम पहले सॉल्विंग करेंगे, तो सॉल्विंग करने से कैसे होगा बताओ। 0.1p मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ये दोनों के साथ। तो हम पहले क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 0.1p मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 0.2q माइनस 0.1p। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर ये वाला हो गया, मतलब ये फर्स्ट टर्म ये खत्म हो गया, 0.1p हमने ले लिया। अब दूसरा टर्म क्या है, यहाँ पर प्लस 0.2q लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ हमने लिखा प्लस 0.2q। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, वही सेम 0.2q माइनस 0.1q, सॉरी 0.1p है। ठीक है, अच्छा, तो ये फॉर्मेट लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्विंग करेंगे। तो जैसे मैंने आपको समझाया था, पहले क्या मल्टीप्लाई होगा, साइन मल्टीप्लाई होगा, देन कांस्टेंट, देन वेरिएबल। तो पहले यहाँ पर देखो साइन लगे, हम दोनों का प्लस साइन है तो यहाँ प्लस ही रहेगा, कुछ लिखेंगे नहीं हम यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या, कांस्टेंट 0.1 × 0.2 कितना आंसर होगा बताओ मुझे। इसको अगर हम रफ में यहाँ पर साइड में अगर लिखें इसको, इसे ये रफ है। ठीक है, तो यहाँ हमने हमें कितना मल्टीप्लाई करना है, 0.1 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे बताओ आंसर कितना होगा। तो यहाँ इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, फ्रैक्शन में चेंज करके डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू लिख दो, या फिर यहीं पर फ्रैक्शन पर चेंज कर लो आप, यहीं पर हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। इसको हम लिख देते हैं 1/10। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आप लिख सकते हो, 0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10p, फिर इसको हम 0.2 को लिख सकते हैं 2/10 q माइनस ये लिखोगे आप 1/10p, फिर प्लस ये लिखोगे कितना 2/10 q, फिर यहाँ पर क्या करना है, फिर ये लिखोगे 0.2 को लिखेंगे 2/10 q माइनस ये कितना 1/10p। यहाँ तक क्लियर है। तो हमें क्या करना था, 1/10 कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा ना, तो प्लस 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 हो गया, साइन प्लस रहेगा, कुछ मतलब लिखेगा नहीं हम यहाँ पर। 1/10 × 2/10 जैसे हमने यहाँ पर लिखा था, 1/10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/10 के साथ, कितना आंसर निकलेगा बताओ, 2/100 निकलेगा। तो हमने यहाँ पर देखो लिखा 2/100। ठीक है, अब वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा, p × q कितना होगा, pq होगा। ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखो, अब 1/10p को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, -1/10p के साथ मल्टीप्लाई करना है। कैसे करते हैं, पहले साइन मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस होगा। फिर क्या करते हैं, हम कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/10 × 1/10 कितना होगा, 1/100 होगा। कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने के बाद ये होगा आंसर। फिर वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा p × p, ये हो गया आपका p²। ठीक है, ये वाला पार्ट खत्म हो गया, अब हम ये वाला पार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ 2/10 का साइन क्या है, प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस, ये प्लस 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 ही होगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे, 2/10 × 2/10 कितना हो जाएगा बताओ, 4/100। देखो कितना सिंपल है। उसके बाद वेरिएबल मल्टीप्लाई करो, क्यू और क्यू कितना हो जाएगा, हमेशा याद रखो पहले साइन मल्टीप्लाई होगा, देन कांस्टेंट, देन वेरिएबल। ठीक है, तो पहले साइन मल्टीप्लाई किया, प्लस 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 हो गया, वेरिएबल जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ कितना, 4/100 हो गया, और उसके बाद वेरिएबल मल्टीप्लाई हुआ कितना हो गया, क्यू और क्यू कितना, q² हो गया। फिर वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा, 2/10 q को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो कैसा होगा बताओ, पहले प्लस, यहाँ पर 2/10 q का साइन क्या है, प्लस है, इसका प्लस है, इसका माइनस, तो प्लस माइनस साइन हो गया, साइन मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, माइनस। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं क्या, कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट 2/10, इसका कांस्टेंट क्या है, 1/10। तो 2/10 मल्टीप्लाई होगी तो 1/10 कितना आंसर निकलेगा बताओ, निकलेगा 2/100। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 2/100। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, साइन हो गया, कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल बचा, तो यहाँ पर देखो क्यू है, यहाँ पर पी है, तो क्या होगा, pq, तो हो जाएगा pq। पी को मल्टीप्लाई करो क्यू से, तो उसको हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे, पहले पी लिखेंगे, देन क्यू लिखेंगे।
ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में आगे पीछे हम लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो बच्चों ये है हमारा आंसर, क्योंकि यहाँ पर आप देखो यहाँ पर सेम टर्म कुछ आपको दिख रहा है, लाइक टर्म्स कुछ दिख रहा है, कहाँ है लाइक टर्म, खोजते हैं हम इसको, लाइक टर्म्स, हाँ है लाइक टर्म्स है, देखो यहाँ पर है पहला है और लास्ट टर्म, देखो लाइक टर्म है, ठीक है। तो ये जो पहला टर्म है 2/100 PQ और लास्ट टर्म है -2/100 PQ, उसको हम पास में लाते हैं, लाइक टर्म है तो नज़दीक आएंगे ना, अब कहीं भी लाइक टर्म देखो उन दोनों को पास में लाओ, तो ये हो गया 2/100 PQ। अच्छा ये क्या है 2/100, जो -2/100 PQ इसको हम यहाँ पर लिखेंगे -2/100, जब इसको लाओगे ना पास में, जब इसको तुम पास में ला रहे हो ना 2/100 को, जब आएगा तो इसके साथ इसका साइन भी आएगा, तो -2/100 PQ। यहाँ तक सबको क्लियर है, लाइक टर्म्स मैंने पास में लाए, और जो अनलाइक टर्म्स है मतलब ये वाला, इसको हम इसको अलग एक जगह पर रखेंगे, -1/100 P² + 4/100 Q² ठीक है। अच्छा तो लाइक टर्म्स कौन है, ये दोनों ही लाइक टर्म्स है, ये दोनों तो अनलाइक टर्म्स है, इसको छोड़ो, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर देखो 2/100 PQ, यहाँ पर -2, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर देखो 2/100 पॉजिटिव, ये कुछ नहीं मतलब यहाँ पर साइड में पॉजिटिव है, तो 2/100 PQ -2/100 PQ, देखो दोनों सेम है, तो दोनों को कैंसिल आउट कर दो यहाँ पर, आप चाहते तो यहाँ पर भी कैंसिल आउट कर सकते थे, ठीक है सेम ही है दोनों। तो कैंसिल आउट करने के बाद बच्चों क्या बचा, मुझे ध्यान से बताओ क्या बचा, ये बचा और ये बचा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे, हम इसको यहाँ पर जो बचा इसको हम लिख देंगे -1/100 P² फिर +4/100 Q² ठीक है। अब हम जो ये जो फ्रैक्शन है इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा -0.01 P² प्लस इसको हम लिख देंगे कितना बताओ 0.04 Q² ठीक है। अब ये भी आंसर हो सकता है, या फिर और आपके बुक में जो आंसर गिवन है आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले इसको ला दो जीरो वो बोला पहले इसको रखेंगे, कुछ नहीं आगे पीछे रखो कुछ दिक्कत नहीं है, आगे पीछे रखो कुछ दिक्कत नहीं, बस साइन साइन को साइन का ख्याल रखना। यहाँ पर क्या है प्लस, जब मैं 0.04 Q² को आगे ला रहा हूँ, तो जब ये आएगा ये नंबर जब मैं इसको आगे लाऊंगा तो उसके साथ उसका साइन भी आएगा ना, प्लस भी आएगा, यहाँ पर आप प्लस लिख दो यहाँ पर 0.04 Q² फिर ये जब हम लिखेंगे इसका साइन भी लिखेंगे तो -0.01 Q² हमेशा याद रखो, कोई भी नंबर को तुम उठा के उधर उधर मतलब कहीं भी उसको ले जा रहे हो, हमेशा याद रखो जब नंबर को उठाओगे तो उसके साथ उसका साइन भी आएगा, उसके पीछे पीछे उसका साइन भी आएगा, ऐसा नहीं कि नंबर को उठा लिया साइन वहीं पर रहेगा, नहीं ऐसा नहीं करना है, जहाँ जहाँ नंबर जाएगा वहाँ वहाँ उसका साइन भी जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ हमारा बच्चों खत्म हो चुका है क्वेश्चन नंबर 2 का बिट 4 खत्म हो गया, फिर वेरीफाई करना है सिर्फ हमको। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर हमारा ये निकला, तो हम अब क्या करेंगे बताओ, नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप आप बोलोगे सर नेक्स्ट स्टेप आप देयरफॉर लिखिए, देयरफॉर स्टेटमेंट लिखिए यहाँ पर, चलो देयरफॉर स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन है हमारा क्या, क्वेश्चन जो था हमारा वो ऊपर था उसको हम लिखेंगे ना, क्वेश्चन को देख के लिखेंगे, तो क्वेश्चन जो है पहले हम उसको लिखते हैं फिर हम LHS और RHS लिखते हैं। तो क्वेश्चन मैं आपको बुक से देख लेता हूँ क्योंकि फिर मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है मैं आपको बुक से देख लेता हूँ क्वेश्चन, तो आपके बुक में क्वेश्चन देख के मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, ब्रैकेट था 0.1 P + 0.2 Q ठीक है। अच्छा फिर ब्रैकेट बंद, फिर क्या था 0.2 Q - 0.1 P यही था क्वेश्चन आपका ना। अच्छा तो हम देयरफॉर जब स्टेटमेंट लिखेंगे तो क्वेश्चन लिखेंगे मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर था क्या हुआ, इक्वल टू देके लिखेंगे, मतलब LHS वो क्वेश्चन पार्ट है, इसका आंसर क्या निकला हमारा, जो ऊपर हमारा आंसर निकला है कितना, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे देखो 0.04 Q² - 0.01 P² यही है हमारा आंसर, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो ये है हमारा स्टेटमेंट, तो इसको हम बॉक्स में से कर लेते हैं। तो ये है बच्चों हमारा देयरफॉर का स्टेटमेंट। तो देयरफॉर का स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी क्यों होता है ये भी मैंने आपको समझाया है, क्योंकि ज़रूरी इसलिए होता है ताकि आप अगर नहीं लिखोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा LHS कौन है RHS कौन है। तो जैसे हम देयरफॉर स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे तो हमें पता चल गया LHS कौन है, LHS ये है और RHS ये है, मतलब कहने का मतलब LHS हमारा क्वेश्चन है
और RHS हमारा आंसर है उसका, उस क्वेश्चन का आंसर है RHS। आप ऐसे भी सोच सकते हो, सोचना क्या वही तो है और क्या, सोचना नहीं है वही तो है, LHS होगा क्वेश्चन और RHS होगा हमारा आंसर। तो अब हमें वेरीफाई करना है बच्चों, अब ध्यान दो यहाँ पर, अब हम वेरीफाई करेंगे। तो हम पहले LHS का हेडिंग लगा लेते हैं यहाँ पर, LHS का हेडिंग यहाँ पर ऊपर दे देते हैं, ठीक है। तो LHS में हमारे जैसे हमारा क्वेश्चन था, जैसे हमारा क्वेश्चन क्या था 0.1p, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0.1p, फिर प्लस 0.2q ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 0.2q, फिर माइनस 0.1q, सॉरी p है, माइनस 0.1p, ठीक है। 0.1p प्लस 0.2q, 0.2q माइनस 0.1p। तो हमें वैल्यू क्या पुट करना है, देखो हमें वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, p को 10 लेना है और q को 5 लेना है, ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। इसी को यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है इसको हम पुट करके देखेंगे कितना निकलता है LHS का वैल्यू। तो बच्चों कैसे करेंगे बताओ मुझे, जैसे मैं आपको सिखाया था जो डेसिमल है उसको फ्रैक्शन कर दो, आपको ईजियर होगा थोड़ा करने के लिए। तो पहले हम इसको फ्रैक्शन भी करेंगे और एक्सपेंड भी करेंगे, दोनों एक साथ करेंगे। फ्रैक्शन को मतलब जो डेसिमल है इसको फ्रैक्शन भी करेंगे और उसके साथ 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 उसको हम एक्सपेंड भी करेंगे। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 0.1p का एक्सपेंड क्या होगा बताओ, 0.1 × p। अच्छा मैंने तो लिख देता हूँ स्टेटमेंट एक्सपेंड का लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। 0.1p को हम लिख सकते हैं 0.1 × p प्लस, इसको हम लिख सकते हैं क्या बताओ, 0.2 × q, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट जो यहाँ पर लिख रहा हूँ सब आपको मैं एक्सपेंड करके बता दे रहा हूँ कैसे हो रहा है। 0.2 × q समझ में आ रहा है, फिर माइनस 0.1 × q × p, ठीक है। ये स्टेटमेंट मैंने क्या किया, सिर्फ एक्सपांड किया। अब हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करेंगे डेसिमल को और पी का जो वैल्यू गिवन है उसको भी पुट करेंगे। तो ये स्टेटमेंट में ये काम होने वाला है। तो जैसे कि ये डेसिमल 0.1 है, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 1/10 होगा। ये LHS 1/10 होगा इंटू पी का वैल्यू बताओ कितना है, पी का वैल्यू देखो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 लिखो, पी की जगह यहाँ पर हम 10 लिखेंगे प्लस। अब 0.2 का फ्रैक्शन बताओ कितना होगा, 2/10 होगा सिंपल, इंटू क्यू है उसके साइड में देखो, तो क्यू मल्टीप्लाई करना है, क्यू का वैल्यू कितना 5 है, यहाँ पर 5 लिखो, समझ में आ रहा है। उसको नेक्स्ट देखो यहाँ पर 0.2 जो है उसको हम लिखेंगे 2/10 इंटू ये जो क्यू है, क्यू का वैल्यू कितना है 5 है, इसको 5 यहाँ पर लिखो, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो 0.1 को हम लिखेंगे 1/10 इंटू यहाँ पर क्या पी है, पी का वैल्यू कितना है 10 है, तो यहाँ पर हम 10 लिखें। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट, अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, तो हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं ना, बोर्ड मास्टर पहले मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर देखो ये नीचे वाला 10 ऊपर वाला 10 कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा नीचे, नीचे ऊपर 1, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्या बचा, इसको हम कैलकुलेशन के क्या बचा, 1 बचा सिर्फ, फिर यहाँ लिखेंगे प्लस, फिर इसको सॉल्व करो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो ये कट जाएगा 2 1 से, ये नीचे होगा कितना 5 से, फिर 5 कटेगा 1, फिर होगा 1, कितना हो जाएगा 1 × 1 1 होगा, इसका भी आंसर क्या निकला, 1 ही निकला। फिर यहाँ जैसे हमको पता है इसका इनका रिलेशन क्या है, इंटू है यहाँ पर देखो, हर जगह यहाँ पर इंटू, ऊपर ऊपर भी इस जगह पर इंटू है, तो यहाँ हम इंटू लिख देंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट का स्टार्ट, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे देखो यहाँ भी देखो आंसर 1 ही निकलेगा शायद, देखो हाँ 1 ही निकलेगा, देखो 1, ये कितना, ये हो गया आपका 2, ये 2 से कैंसिल आउट होगा ऊपर 2 1, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, माइनस फिर इसको देखो ये 10 10 कैंसिल करो, 10 10 कैंसिल होगा क्या बचा बच्चों बताओ, 1 बचेगा, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे बताओ कितना, 1 + 1 कितना होता है 2 होता है, इंटू 1 - 1 क्या होगा 0, दैट इम्प्लाइज लास्ट मतलब दैट इक्वल टू 2 × 0, आंसर हमारा 0 निकला। तो बच्चों हमारा LHS का जो वैल्यू निकला वो कितना निकला, 0 निकला। अब हम देखेंगे RHS भी, देखो 0 ही निकलेगा। तो RHS को लिखने के लिए पहले हम देख लेते हैं क्या हमारा सोल्यूशन जो था, जो हमारा आंसर है वही RHS है ना, तो उसको हम लिखेंगे। तो बच्चों अब यहाँ पर हेडिंग लगाओ RHS का, चलो RHS क्या था हमारा, RHS हमारा निकला था 0.4 q का स्क्वायर माइनस 0.01 p का स्क्वायर, यही था हमारा RHS, यही था हमारा आंसर प्लस और हमारा RHS। और हमें पता है वैल्यू कितना गिवन है, हमें p का वैल्यू क्वेश्चन में आपको बुक में गिवन है, p का वैल्यू 10 और q का वैल्यू 5। अच्छा अब हम क्या करेंगे बताओ मुझे, अब क्या इस स्टेप में क्या करना है, मुझे एक्सपांड करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखा 0.04 × क्यू का स्क्वायर, सिर्फ देखो इसमें एक्सपांड मैं कर रहा हूँ सिर्फ इसको, ये वो 0.01 × यहाँ पर मैं लिखा पी का स्क्वायर, इस स्टेटमेंट में मैंने सिर्फ एक्सपांड किया है। अब हम क्या करेंगे,
डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, प्लस उसके साथ साथ क्या करेंगे और वैल्यू भी पुट करेंगे, पी और क्यू का जो वैल्यू होगा उसको हम पुट करेंगे। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो डेसिमल इसका फ्रैक्शन बताओ कितना होगा, 4/100 होगा इनटू, अब देखो यहाँ पर क्यू का स्क्वायर है, मतलब क्यू का वैल्यू देखो कितना है यहाँ पर 5 है ना, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, क्यू का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, क्योंकि क्यू का वैल्यू क्या है 5 है। ठीक है अच्छा, माइनस फिर करेंगे यहाँ पर, फिर ये देखो यहाँ पर क्या है, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 0.01 मतलब क्या लिखो यहाँ पर, अब काम पर यहाँ पर ब्रैकेट दे दो ताकि समझ में आए आपको कि अलग अलग ये इसको ये और एक पार्ट है और एक पार्ट है, इसको यहाँ पर ब्रैकेट दे दो। ठीक है तो इसका ब्रैकेट में कैसे लोग बताओ, 0.01 क्या होगा, 1/100 होगा इंटू पी का स्क्वायर है ना, तो पी का स्क्वायर क्या है 10 का स्क्वायर। ठीक है तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो इसका वैल्यू कितना निकलेगा, ये तो 4/100 वैसे ही रहेगा इंटू, ये जो 5 है ना इसको हम लिखेंगे 5 × 5 ऐसे लिख दो। ठीक है यहाँ तक समझ में आ रहा है, फिर माइनस, फिर अब इसको लिखो, ये जो है ना इसको ऐसे लिखो, ये है 100 1/100 हो गया। अच्छा 10 का स्क्वायर कितना होता है, ये भी 100 होता है, इसको 100 ऐसे लिख दो। अब हम देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये देखो बच्चों यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये होगा 5 1 से ये हो गया कितना आपका 20 होगा, फिर 5 से कटा ये 5 1 जाए ये कितना होगा 4 होगा, फिर देखो ऊपर 4 है नीचे 4 है, देखो ये 4 पर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बचा। तो हम बोल सकते हैं इसको हम सॉल्व करने के बाद हमारा फाइनल आंसर डेट इज़ 1। फिर माइनस, ये जो माइनस का साइन है यहाँ पर तो माइनस, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये देखो ये 100 100 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1 बचा, तो इसको हम 1 यहाँ पर ले देंगे, इसको सॉल्व करने से आंसर निकला 1, और ये तो माइनस का साइन यहाँ पर था इसलिए यहाँ पर माइनस आया, तो 1 - 1 कितना आंसर हो गया 0। देखो तो जैसे हमें पता है LHS भी हमारा 0 निकला था, आप देख लो ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो LHS भी हमारा 0 निकला था और हमारा RHS भी देखो नीचे यहाँ पर 0 निकला, दैट मीन्स हम यहाँ पर therefore करके लिख सकते हैं दैट LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। तो यहाँ पर हमारा वेरीफिकेशन हो चुका है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफिकेशन, तो ये भी उसी सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 भी सिंप्लीफाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ये सब जब आपको समझ में आ रहा है तो वो सब भी समझ में आ ही जाएगा। ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।